नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएसओ, मैं हूं आपके साथ तफीसा। कल 7 मई को बड़े स्तर पर खाप पंचायत होनी है, किसान उसमें मौजूद रहेंगे बड़े स्तर पर, यानी कि जब यहां पंचायत की जाएगी। महिला पहलवानों का जो धरना जारी है 14 दिन आज इसको हो गए, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ चर्चा होने वाली है, कोई बड़ा फैसला होने वाला है। ऐसे में देखना भी होगा कि बड़ी संख्या में कल यहाँ पर लोग आने की संभावना है, कि बड़ी संख्या में अलग अलग स्तर राज्य से बड़े अलग अलग संगठनों से लोग यहाँ आ सकते हैं। तो वहीं यहाँ मौजूद पहलवानों ने पीसी कर ऐलान कर दिया है कि कल बड़ी संख्या में यहाँ लोग आने की उम्मीद है। उसके साथ साथ कल 7 तारीख को शाम 7 बजे पूरे देश से यह आह्वान किया है कि कैंडल मार्च निकाला जाए, यानी कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं सरकार की या फिर कानून व्यवस्था की बात करें तो अनुराग ठाकुर इनसे कह रहे हैं कि इस धरने को खत्म कर दें, और वहीं कानून कार्यवाही अपनी और जारी है। देखिए, मैं एक बार आपको तस्वीर कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि वो अंदर की दिखा, पूरी वापस से इसको तैयारी की जा रही है टेंट, ताकि थोड़ा सा और मजबूती मिल सके, व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो सके जहां पहलवान धरना दे रहे हैं। तो लगातार बारिश का मौसम है, आज भी बारिश हुई, इसमें ऐसे में व्यवस्था बिगड़ जाती है, पहलवानों के सामने कई चुनौतियां हो जाती हैं। सर, क्या लग रहा है कि कल खाप पंचायत होनी है, बड़े स्तर पर पंचायत की जाएगी, पहलवानों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्या लग रहा है कि क्या बड़ा फैसला उसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तो फैसला आपको कल ही मालूम होगा, लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। मोदी जी की रातों की नींद उड़ने वाली है और ब्रजभूषण हवा में उड़ जाएगा। अब बहुत जल्द होने वाला है, ये तीनों अमित शाह, नड्डा जी और मोदी जी, ये बहुत जल्दी फैसला लेंगे कि इसे अब भगाओ, वरना कर्नाटक भी जा रहा है और झारखंड भी जा रहा है। और सब ले रहे हैं जो नाम आप ले रहे हैं, यही तीनों नाम से ब्रजभूषण कहते हैं कि अगर ये कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, विनेश फोगाट यहाँ से जा रहे हैं, आपको तस्वीर एक बार दिखा देती हूँ। लगातार पहलवान यहाँ से डटे हुए बने हुए हैं और यही कहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, सफलता नहीं मिलती, तब तक वो यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। ये वो पहलवान है जिन्होंने मोदी जी का 25 इंच का सीना 56 इंच का कर दिया, उन्हीं की वजह से मोदी जी का सीना चौड़ा हुआ है। आज ये जो गोल्ड मेडल जीत के लाए, हमारा जब देश का झंडा ऊपर जाता है ना, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी खुशी के आंसू। हम लोग सीना चौड़ा जाता है, तो मोदी जी ने राउंड टेबल पे बैठ के इन पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाया था बड़े चौड़ों के। आज मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है, या उनके किसी नुमाइंदे के पास इतना टाइम नहीं है, वो यहाँ के पूछ लें, बेटियों तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है ब्रजभूषण एक अच्छी खासी सीटों पर प्रभाव डाल रहा है। यूपी की 4 लोकसभा और 15 विधानसभा सांसदों पे, विधायकों पे प्रभाव डालता है, क्योंकि और अंदर खाते ये भी रिपोर्ट है कि ब्रजभूषण एक बाहुबली है। ये खबरें कौन दे रहा है? ये तो हैं, सारी हैं, ये आपको मालूम नहीं है? बाहुबली है भाई वो उसने कल रात में कह दिया टीवी पे, हाँ मैं बाहुबली हूँ, लेकिन किस एंगल से हूँ वो बता नहीं सकता। वो बार बार चिल्लाते हैं कि एक प्लेयर और है जिसके ऊपर 2 मेडल हैं, नाम नहीं बताते। नाम क्यों नहीं बताते? नाम बताएं खुल के, पत्रकार सब पूछ रहे हैं, नाम बताओ, नाम नहीं बताते, इतना तो डरपोक आदमी है वो। तो वो वक्त आ रहा है, मोदी जी और मोदी जी की पार्टी का पतन होने जा रहा है। लेकिन ये जो मोटिव सेट किया जा रहा है कि सिर्फ एक जाट का धरना है, फोगाट परिवार यहाँ बैठा है हरियाणा, मेरा नाम कलीम खान, मैं मुसलमान हूँ, और यहाँ पर इतने मुसलमान आए मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मुसलमान आए हैं। ये तो बकवास कर रहे हैं, फेंक रहे हैं कि हिंदू और जाट और ये वो, इस टाइम 36 बरादरियां हैं यहाँ, और इन बहनों के साथ ना हम भाई कंधे से कंधा मिला के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब साथ में हैं। ये बकवास है, बिल्कुल बकवास है कि जाटों का ये मामला, जाट भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी भाई हैं हमारे, सिख भी भाई हैं, सब भाई हैं, और अगर आज यहाँ सिख की लड़की भी होती तो हम खड़े होते, मुसलमान की लड़की भी खड़े होते। बहुत से सिख के बच्चे, मुसलमान के बच्चे जो फेडरेशन के अंदर हैं, जिन पे बहुत ज्यादा यौन शोषण हो रहा है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पा रही हैं। आज इनके रहते वो लड़कियां भी आवाज उठा पाएंगी। और मैं बता दूं, अगर ये फेडरेशन ऐसी करता रहा तो जो बच्चे पहलवानी के लिए सोच रहे हैं, कराटे के लिए सोच रहे हैं, बॉक्सिंग के लिए सोच रहे हैं, उन बच्चों का मनोबल ये तोड़ने पे लगे हुए हैं। हमारे आज ये 5 मेडल आए 10 मेडल आए, कल 100 मेडल आएंगे, हम चाइना के टक्कर पे जाके खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस जैसे ब्रजभूषण जो लोग ये जो यौन शोषण कर रहे हैं, उन उस वजह से हमारी बच्चियां डर रही हैं, उनके माँ बाप डर रहे हैं भेजते हुए। ब्रजभूषण जिन पर आरोप लगे हैं वो कभी इनको राजनीतिक बता देते हैं, कभी कई तरीके के आरोप लगा देते हैं, और अब तो वो इन आरोपों को ही नकार देते हैं कि मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। साफ साफ लड़कियां कह रही हैं, आपने शायद सुना होगा, साक्षी जोशी ने एक पूरी रिपोर्ट चलाई है, उसमें उन्होंने कहा
मारा इसने, उसकी फुटेज भी है, सब कुछ है। जब ये लड़कियां पूछेंगी ना कोर्ट में, सब सामने निकल के आएंगे। इनकी अपनी अपनी अस्मिता का ख्याल है, तो ये कोई झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, ये हुआ है तो सच बोल रही है। आज इन लड़कियों की वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगियां बन जाएंगी। लेकिन राजनीति कर रहे हैं, अब राजनेता बन गए पहलवान, ये जो आरोप ब्रिजभूषण लगातार लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे कि इनको पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिल रहा है? मैडम किसान आंदोलन हुआ, किसान आके बैठे, उसमें तमाम लोग आए इनके, अब मैं बोलूंगा इनकी हवा सरक गई, इन्होंने रातों रात सब कुछ वापस ले लिया। ठीक है, ऐसे ये पहलवान आए हैं और इसके में 36 बरादियां साथ दे रही हैं, पार्टियां भी, देखिए पार्टियां भी सारी, हम ये नहीं कहेंगे सारी, मैं आपको बता दूं बीजेपी के अंदर खाते लोग, चाहे वो MP हो चाहे वो विधायक हो, वो भी चाहते हैं इन बच्चियों को समर्थन मिले, इनको इंसाफ मिले, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं कि वो फंसे हुए हैं, कि जिस दिन अगर उन्होंने समर्थन दे दिया तो शायद मोदी जी उनके घर पे भी ED और CBI भेज देंगे, क्योंकि आजकल वो यही काम कर रहे हैं, ED CBI। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना अलग। मैडम कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के लालची लोग हैं, किसी तरह से भी सत्ता आनी चाहिए, साम दान धन भेद कुछ भी, ये अपने, अब मैं क्या बोलूं, अपने घरों में क्या कर देंगे, ये उसके लिए भी वो कर देंगे। उषा भी यहाँ पर आती है, महिला भी है, खिलाड़ी भी रही है, आश्वासन देती है, धरना खत्म करने की अपील करती है, फिर उन पर भी विश्वास आप लोग नहीं करते। उषा भी कहीं ना कहीं फेडरेशन से जुड़ी हुई है, ये आपको मालूम है ना, फेडरेशन जुड़ी हुई है वो, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। वो उस दिन यहाँ इसीलिए आई थी समझाने के लिए, वो अपना काम करके चली गई। धरना खत्म नहीं खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, जब तक इन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगी ये धरना पूरे कनॉट प्लेस में फैल जाएगा। ये तो दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है हर मोड़ पे, चाहे ये किराड़ी बॉर्डर हो, चाहे ये भवाना बॉर्डर हो, हर जगह ये रोक रखा है। जिस दिन लोगों को जगह मिल गई ना, छोटी छोटी जगहों से घुस के वो यहाँ कनॉट प्लेस पहुँच जाएंगे, और वो वक्त आने जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको भी 4 कैमरे वाले रखने पड़ेंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इस धरने को खत्म कर देना चाहिए, जो पहलवानों की मांगे थी वो मान ली गई है, कमेटी बनाई गई, मैरीकॉम को भी रखा गया, नहीं लिखित में हमें इस्तीफा चाहिए, उसको सजा चाहिए, उसको जेल में डालो, जब हम मानेंगे हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे, हम कह देंगे अपनी बहनों को खत्म कर दो, लेकिन उसको सबसे पहले सस्पेंड करो, ठीक है, उसे सजा दो जो उसकी सजा बनती है, जब हम धरना खत्म करेंगे, ये नहीं बातों से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो खाप पंचायत कल होनी है, क्या लगता है कि उससे पहलवानों को क्या फायदा पहुंचने वाला? क्यों फायदा नहीं मिलेगा, पूरे भारत की खाप पंचायत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सबके सब यहाँ पहुंच रहे हैं, और ये धरना अब हर राज्य में भी होगा, ये कल परसों से शुरू हो जाएगा, ये धरना और बड़ा होता चले आएगा, इसमें हम पानी रोज पड़ रहा है, ये रोज पेड़ बड़ा हो रहा है, और इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा इंडिया इसके समान में आ जाएगा। अभी आप देखते जाइए, आप आ रही हैं रोज ही आएंगी। ये धरने की अगर हम बात करें, पहलवान और सरकार से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दखल दिया, FIR दर्ज हुई, तो आपको नहीं लगता कि अब सिर्फ कानूनी लड़ाई आप लोगों को लड़नी चाहिए? देखिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक यहाँ से कोई नहीं उठेगा, पहला हमारा मकसद है गिरफ्तारी का। गिरफ्तारी जिस दिन हो गई, गिरफ्तारी कर लो, चलो छोड़ो, गिरफ्तार कर लो, तुम सस्पेंड भी मत करो, गिरफ्तार करवा लो। आप उधर ये भी मांग करते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए तमाम पदों से। ब्रिजभूषण कहते हैं कि मैं अगर अपराधी बनकर इस्तीफा दूंगा या मैं इस्तीफा दे देता हूं तो अपराधी साबित हो जाऊंगा, और मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं ना। आपसे एक बात कही ना, उनका कई सीटों पर प्रभाव है, 4 लोकसभा सीट पर प्रभाव है, 15 विधानसभा सीट पर प्रभाव है, तो प्रभाव योगी जी को कहीं ना कहीं डरा रहा है। आगे इलेक्शन भी है 2024 में, क्योंकि तीसरी हैट्रिक मारना चाह रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हैट्रिक लगने नहीं देगा, झारखंड हैट्रिक लगने नहीं देगा, राजस्थान हैट्रिक लगने नहीं देगा, हरियाणा हैट्रिक लगने नहीं देगा, इस बार ये औंधे मुंह चारों खाने चित गिरने वाले हैं, ये 2024 तक चलेगा और दिल्ली के हर कोने में चलेगा, ये घुटनों पर चल के आएंगे। मैंने ब्रिजभूषण के साथ, और बताओ कितने सांसदों को मेरे इस्तीफा लेना है, अभी आपको ये भी बताऊंगा, अभी एक नहीं 5 सांसद इस्तीफा देंगे। वही बात कर रहे हैं जो ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मेरे बहाने सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये अपने उन प्यादों को निकालेंगे जिन ने रखे हैं, जैसे सेंगर हैं, ठीक है ना, उनको निकालेंगे, भाई तुम्हारी वजह से छवि हमारी खराब हो रही है, चलो बाहर जाओ, भागो यहाँ से, हमारा पतन होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी तीसरी हैट्रिक मारने की कोशिश कर रहे हैं, हैट्रिक नहीं पड़ेगी इस बार उनपे। चले, बहुत बहुत धन्यवाद कलीम जी हमारे साथ थे, जो लगातार यहाँ पर महिला पहलवानों को समर्थन देने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो कल खाप पंचायत होनी है उससे इन पहलवानों को एक आश्वासन मिलेगा, साथ ही एक नए तरीके से ये धरना आगे क्यों और बढ़ने वाला है, यानी कि लड़ाई मजबूत हो जाएगी। तो वही ब्रिजभूषण को लेकर जो गिरफ्तारी की
मांग उठ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी ऐसा पहलवानों का उम्मीद है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।